Hello viewers, my name is Professor Prabhjot and I am from PG Department of CS and IT Doaba College Jalandhar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम सर्चिंग के ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्चिंग का ऑपरेशन वर्क करता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसमें दो बेसिक टेक्निक्स यूज की जाती हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए एरेज के अंदर। बट उससे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि सर्चिंग होता क्या है। तो सर्चिंग का सबसे पहले जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि एक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द गिवन डेटा एलिमेंट, मतलब किसी एक डेटा एलिमेंट की पोजीशन ढूंढना, कि हम जिस एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं हमारी एरे के अंदर, उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो वहाँ पे है भी कि नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक एरे में ढूंढना, तो अगर हमारी वो सर्च सक्सेसफुल होती है, मतलब अगर हमें वो एलिमेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है, नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल नहीं है। ये दोनों तरीके से वर्क कर सकती है, जैसे कि ये सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकता है, ये अनसॉर्टेड लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। सो बेसिकली सर्चिंग का यही मतलब होता है, एक कलेक्शन दी होती है, गिवन अ कलेक्शन एंड एक एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर हमें वो एलिमेंट मिल जाता है, हम ये मैसेज प्रिंट करवाते हैं आउटपुट में कि हमें वो एलिमेंट मिल गया, और साथ में हम उसकी पोजीशन रिटर्न करवा देते हैं कि किस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हमें वो एलिमेंट मिला है, या पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ द एरे जहाँ पे हमें वो एलिमेंट मिलना होगा। तो अब हम देखते हैं जो सबसे पहली टेक्निक होती है सर्चिंग की, वो किस तरह से काम करती है। जो सबसे पहली टेक्निक होती है वो होती है लीनियर सर्च। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से सिक्वेंशियल सर्च करनी, कि हर एलिमेंट के ऊपर एक बार जाके उसको कंपेयर करना पड़ेगा उस एलिमेंट के साथ जिसको हमने ढूंढना होगा, और फिर उसके बाद हम मैच कराने के बाद ये नतीजे के ऊपर निकलेंगे कि क्या वो सर्च हमारी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है, कि हमें वो एलिमेंट मिला है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें एक सबसे पहले काम करना होता है, उसे हम ट्रेवर्सिंग कहते हैं, कि हर लिस्ट में हर एलिमेंट के ऊपर एक बार जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट अनसॉर्टेड है तो हमें ये नहीं पता कि हमारा जो एलिमेंट हम ढूंढना चाहते हैं वो लिस्ट में किस पोजीशन पे होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे टोटली या कम्प्लीटली पूरी की पूरी लिस्ट को एक बार सर्च करके देखना पड़ेगा, कि हर एलिमेंट के ऊपर एक बार जाके देखना पड़ेगा कि क्या वो एलिमेंट उस पोजीशन पे है कि नहीं है, और इसी चीज़ को हम ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका इकट्ठा होता है कि ट्रेवर्स करना और साथ में सर्च करना, और हमेशा ही जो लिस्ट की बिगनिंग होती है ट्रेवर्स करने की, वो हमेशा पहले एलिमेंट से होती है और तब तक चलती है जब तक हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वो एलिमेंट हमारा नहीं मिलता। और दूसरी चीज़, अगर तो हमारी लिस्ट सॉर्टेड होती है, सॉर्ट होने का मतलब है कि मुझे पूरे के पूरी लिस्ट को नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा एलिमेंट कहाँ पे है या नहीं है, तो मैं वहाँ पे रुक सकता हूँ। अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मुझे लगता है कि ये एलिमेंट मेरा मुझे यहाँ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक लिस्ट है 50 नंबर्स की, मतलब अब 10, 20, 30, 40 एंड 50, नाउ द लिस्ट इज सॉर्टेड एंड आई वॉन्ट टू सर्च 35 एलिमेंट, तो आफ्टर मतलब क्रॉसिंग द थर्ड पोजिशन 30th मार्क के ऊपर, अगर मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा तो मुझे एक बात पता लग गई कि जो मेरा नंबर मैं ढूंढना चाहता हूँ 35, वो यहाँ मुझे 40 से पहले पहले ही मिलेगा। तो लेट्स सपोज मेरी लिस्ट 40 को क्रॉस कर गई, ट्रेवर्स करना हमने क्रॉस कर दिया 40 को, तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे एलिमेंट वो नहीं मिल सकता ना, क्योंकि 35 जो है वो छोटा है 40 से, तो लिस्ट के पहले पहले ही मिलेगा, 40 के आगे नहीं मिल सकता। तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज होती है अगर हमारी लिस्ट सॉर्टेड होती है। तो ये दोनों फर्क होता है, लिस्ट सॉर्ट होने या अनसॉर्ट होने का। बाकी सर्चिंग का प्रोसेस वैसे ही रहता है, ट्रेवर्स करना और कंपेयर करना हर एलिमेंट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिस्ट है, हमने 33 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, 10 से मैच किया, 14 से मैच किया, 19 से, 26 से, 27 से, 31 पे, और 33 जहां हमें मिला, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पोजीशन के ऊपर हमें वो एलिमेंट मिला, तो हर हर तो अब मैं वहां पे रुक सकता हूँ। ये
लिस्ट है जो मेरे पास सॉर्टेड है, तो मुझे वो एलिमेंट वहाँ पोजीशन पे मिल गया। और इसके बाद हम ब्रेक यूज करेंगे कि आगे मुझे और सर्च करने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर मुझे वो एलिमेंट मिल चुका है। तो ये एक लीनियर सर्च बड़ी सिंपल ही सर्च होती है, इसके अंदर एक सिक्वेंशियल सर्च चलती है, वन बाय वन हर एलिमेंट के ऊपर जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, चेक करते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमें वो एलिमेंट मिलता है तो हम पर्टिकुलर उसकी जो इंडेक्स होता है वो रिटर्न करवा देते हैं। इस तरह से हमारा जो लीनियर सर्च का प्रोसेस है वो चल। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा लीनियर सर्च का एल्गोरिथम कैसे चलता है। इसके टोटल 8 स्टेप्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये एल्गोरिथम चलेगा, वर्क करेगा और हमें वो एलिमेंट ढूंढ के देगा जो हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स हमारा वो एलिमेंट है जो हम ढूंढना चाहते हैं, ये एक्स, और ये मैं पहले से जैसे डिफाइन करता हूँ एक्स की वैल्यू कुछ के, मैंने 40th वाला एलिमेंट ढूंढना चाहता हूँ अपनी लिस्ट में से, एक एलिमेंट ढूंढना चाहता हूँ कि 40 एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जो चलेगा वो चलेगा कि आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1। तो मेरा इनिशियली आई यहाँ पे है, ए आई मेरा एरे का नाम है ए, ठीक है, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मतलब अगर हम सर्च करेंगे तो ए ऑफ वन से स्टार्ट करना शुरू करेंगे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी स्टेप टू के ऊपर, क्या आई की वैल्यू छोटी बड़ी तो नहीं है कहीं से एन से, अगर कहीं से मेरा इंडेक्स उसमें हुआ ही नहीं टोटल साइज में के बीच में 7, जैसे यहाँ पे एन 7 है तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है हमारी 1। तो फर्स्ट 7 से छोटा है, बड़ा तो नहीं है ना, अगर गलती से वो बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पे वो लिस्ट में एलिमेंट मिल ही नहीं सकता और हमें सीधा सीधा स्टेप 7 के ऊपर आना पड़ेगा अगर ये कंडीशन गलत होगी, ट्रू होगी सॉरी, अगर ये आई बड़ा हो गया कहीं से गलती से। अगर आई छोटा है, जैसे यहाँ पे आई कितना है 1 और मेरा टोटल एन कितना है 7, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेप 7 चलेगा, तो हमारा स्टेप 3 चलेगा। तो आई यहाँ से छोटा है तो इसका मतलब है कि ये मेरी कंडीशन जो है ट्रू है, तो मैं सीधा स्टेप 3 के ऊपर आऊँगा। इसके बाद स्टेप 3 पे चेक होगा, जैसे ए ऑफ आई की वैल्यू 1 है तो ए ऑफ आई पे क्या पड़ा है 10, 10 इक्वल्स टू मेरा एलिमेंट एक्स की वैल्यू विच इज़ 40, तो ये उसके बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब कि अभी मुझे वो पहली पोजीशन पे एलिमेंट नहीं मिला। तो अगर ये एलिमेंट नहीं मिलता तो मेरे को सिंपली अपना आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा आगे 1, तब दूसरी बार जो मेरा आई पहुंचेगा यहाँ पे पहुंचेगा सेकंड के ऊपर आई, तो इसके बाद दोबारा से ये लूप चलेगी कंपैरिजन वाली, रिपीट करना पड़ेगा हमें इस स्टेप को। तो अगर तो अब अभी तक बराबर इक्वल्स टू नहीं ना हुआ, मतलब हमारा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर नहीं आया, अगर ये आता तो हमें 6वें स्टेप के ऊपर जाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे वो एलिमेंट मिल गया। तो अभी नहीं मिला तो इसका मतलब है ये कंटिन्यू हुआ, तो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा 20 20, सेकंड पोजीशन पे हमारा एलिमेंट पड़ा है 20, तो हमें फिर से वो 20 को इक्वल्स टू चेक करना पड़ेगा एक्स, एक्स की वैल्यू 40, तो ये बराबर नहीं है, तो इसी तरह से फिर से आगे ये स्टेप चलेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आते। इसका मतलब है कि मेरे को मेरी वो सर्च कंप्लीट नहीं होती। तो जब भी ये मेरा एलिमेंट मुझे मिल जाएगा बराबर, तो हमें सीधा सीधा इस स्टेप के बाद 6 स्टेप के ऊपर आना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मेरा एलिमेंट मिल चुका है इस पोजीशन के ऊपर आई इंडेक्स। जैसे यहाँ पे हमें 40 के ऊपर वो एलिमेंट मिलेगा तो इसका इंडेक्स क्या प्रिंट होगा, आई 4th, मतलब 4th इंडेक्स पे मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा और इसके बाद सीधा सीधा हम एग्जिट कर जाएंगे और इस तरह से हमारी लीनियर सर्च कंप्लीट होगी। सो थैंक यू आप सभी का।